पिछले 7 महीने कैसे बीते हैं ये सिर्फ मैं ही जानती, तुम नहीं। तुम्हारा क्या, तुम तो हुकुम चला देते हो बस। मैं? हाँ तुम, और मुझ बेचारी को हमेशा तुम्हारी बात माननी पड़ती है, लेकिन इस बार नहीं मानूंगी। ना नाश्ता करूंगी, ना दूध पीऊंगी, कुछ नहीं करूंगी जब तक तुम मेरी बात नहीं मानते। मुझे दादी की मन्नत पूरी करने हवेली जाना है, कम से कम इस बार घर से बाहर तो निकलेंगे। पिछले 6 महीनों में कहीं नहीं गए हम घर से बाहर सिवाय डॉक्टर के, इसलिए अब मुझे जाना है। और वैसे कुछ महीनों में तो बेबी आ जाएगा, फिर तो वैसे ही नहीं जा पाएंगे कहीं पे। मुझे जाना है कार्तिक, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, तुम कुछ भी कहो मुझे जाना है। बाप रे बाप, एक ही सांस में इतना कुछ कह दिया, सांस फूल जाएगी ना। अरे लो पानी पी। नहीं पीना। बीपी बढ़ जाएगा। वो तो वैसे ही बढ़ रहा है क्योंकि तुम सुनते जो नहीं हो मेरी बात। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कार्तिक। वाह वाह वाह, ये तो मैं मंजूर है हा? लेकिन उसका बाहर जाना नहीं। और हमने तुमसे कितनी बार कहा है कार्तिक कि थोड़ा बहुत बाहर जाना ना अच्छा होता है। कुछ समझाइए इसे। हाँ कार्तिक, 7 महीने से वो घर में बंद है बेचारी, और तो और तुम उसे कहीं बाहर जाने से भी मना करते हो। कार्तिक वो प्रेग्नेंट है, बीमार नहीं है वो। और थोड़ा घूमने फिरने से उसे अच्छा लगेगा। बस बस बस, ये रोज सुबह सुबह ममता की अदालत शुरू कर दीजिए और मुझे मुजरिम घोषित कर दीजिए। मेरी फीलिंग्स की तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है। नहीं अरे तो आज बाहर ले जाओ, आज यहाँ ले जाओ, नहीं नहीं आज वहाँ ले जाओ। हाँ तो मैं कोई तानाशाह हूँ क्या? मुझे क्या अच्छा लगता है? मुझे भी बुरा लगता है जब तुम्हें बुरा लगता है। तुम समझो ना, बाहर बहुत खतरा है, तुम नहीं जा रही तो मैं भी तो नहीं जा रहा हूँ। हे भगवान, दादी आपका कितू ना मुझे पागल कर देगा। कोई तो समझाइए इसे कि इतना ना डरा करे। और कार्तिक, खतरा कहाँ नहीं है, हम अभी यहाँ भी तो बैठे हैं ना अपने घर में, यहाँ भी कब क्या हो जाए किसी को क्या पता। प्लीज इतना मत डरा करो, नहीं तो बेबी ना एक नंबर का डरपोक पैदा होगा।